बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने कहा, प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। हमारा टारगेट होगा अपने कारोबार के लिए 10 लाख नौजवानों को कर्जे दिए जाएं। मेरिट पर काम होगा, फिक्र ना करें, फजल रहमान के लोगों को भी कर्जे देंगे। ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था, कामयाब जवान प्रोग्राम वजीर आजम ऑफिस से मॉनिटर किया जाएगा। सारे पाकिस्तान के लिए एक यूथ फाउंडेशन बना लेंगे जिसमें नौजवानों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। कोशिश करेंगे पाकिस्तान में तालीम का एक ही निसाब आए। बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम और टेक्नोलॉजी भी देनी है। इमरान खान ने कहा, ग्रीन यूथ मूवमेंट हमारा एक नया प्रोग्राम आ रहा है, इसमें पाकिस्तान को कचरे से साफ करेंगे। मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। नौजवानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। स्टार्टर पाकिस्तान और इंटर्नशिप के प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो सारे ही आपके दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन भी तालियां बजाते हैं, जब हारते हैं तो घर वाले भी मुंह फेर लेते हैं। वजीर आजम का कहना था कि वैसे तो मेरी सारी जिंदगी ऊंच नीच का शिकार रही, ताहम ये 12 माह ज्यादा मुश्किल थे। हर इदारे का दिवालिया हो चुका था, लेकिन मेरा ईमान है अच्छा वक्त शुरू होने वाला है।